हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपा रंदे स्मार्ट आर्ट। अज असी बनाउन जा रहे हैं बच्चों की एक बहुत सोहनी फैशनेबल ड्रेस। ये है पेंपलिन कुर्ती दे नाल ट्यूलिप सलवार, बहुत ही प्यारी लगती है और बहुत आसानी ना बन जाती है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं पेंपलिन कुर्ती दे नाल ट्यूलिप सलवार। पेंपलिन बनाउन दे लई असी लिया है 10.5 इंच लंबा कपड़ा, जो कि 4 फोल्ड कपड़ा है। और ये असी लेना है तीरा, जो कि 5.5 इंच है। और ये गला 2.5 इंच ते निशान लगाना है। इस तो बाद मोढ़ा 5.5 इंच ते निशान लगावांगे। दोनों पॉइंट्स नू आपस च मैच करना है। तो ये नाल ही असी चेस्ट का नाप लै रहे हैं, जो कि 6.5 है। 6.5 ते निशान लै लेना है। और इस तो बाद दबाव वास्ते असी 2 इंच छड्डांगे। इहदे नाल ही कमर तो असी नाप लै रहे हैं 6 इंच। और इहदे नाल ही हुण असी चेस्ट ते कमर दे निशान नूं मिला देना है। और ये मार्जन है जो कि असी 1.5 तो 2 इंच लिया है, बच्चे का माप है। सो इहदे नाल ही मोढ़े की काट है, बच्चे दे लई मोढ़े की काट अगली ते पिछली इक्को जिही पाई दी है। इस तो बाद है जी गला, जो कि फ्रंट गला असी 3 इंच लिया है। और इहदे नाल ही 2.5 इंच का असी निशान पिछले गले का लैना है। यू शेप दे विच इहनूं मिलाना है। अद्धे इंच ते लै रहे हैं निशान तीरे का। हुण लगाए गए निशानां नूं तेज़ी नाल कटिंग कर लाँगे। हुण असी लै रहे हैं बाजू लई 4 फोल्ड कपड़ा है। तो इस दी लंबाई असी लई है 9 इंच, तो मोढ़ा असी लिया सी 5.5, इस करके असी 5.5 ही चौड़ाई लई है। 2 इंच ते निशान लगावांगे। और 2 इंच ते निशान लगाण तो बाद असी इत्थे कर्व दे विच इहनूं मिलाना है। ये साडी बांह दी कटिंग है। और इहदे नाल ही जिहड़ी बांह दी मोहरी है वह असी लई है 4 इंच, ते बाकी असी कपड़ा मार्जन च रखा है 1 तो 1.5 इंच। और हुण असी इहनूं मिलावांगे। पहले असी मार्जिन वाला निशान जिहड़ा उहनां नूं आपस मिलावांगे। और उस तो बाद जो साडा सिलाई वाला निशान है वह भी असी लै लवांगे। और मार्जिन दे नाल नाल कर्व दी असी कटिंग करनी है। फ्रंट ते बैक दे गले नूं रेब पट्टी लगा के तैयार कर लिया गया है। इन्हां नूं आपस विच अटैच कर दिता गया है। हुण वारी है इहदे नाल बाहां अटैच करने दी। और इहदे लई हुण असी बाहां लगाणियां है, बाहां जिन्हां नूं कि असी पूरे माप नाल कट्टिया सी, क्योंकि बच्चे दी बाह आ, पहलां सानूं इस तरह दे नाल अटैच करनी पवेगी। बिल्कुल सिलाई नूं किनारे तो शुरू करदे हुए पूरे राउंड दे विच लास्ट पॉइंट तक लेके जाना, इस तरह नाल दूसरी बाजू। बाहां नूं चंगी तरह दे नाल अटैच कर लैण तो बाद साडे कोल नैक्सट है साइड दी सिलाई। सो दोनों साइड दी सिलाई है, पर दोनों साइड दी सिलाई लगाण तों पहलां असी थोड़ा जिहा कम होर करना है, क्योंकि बच्चे दी ड्रेस है साइज़ वड्डा या छोटा हुंदा रहिंदा है। और इहदे लई असी 2 बेल्टां तैयार कीतियां, जो कि असी बैक साइड ते अटैच कर दित्तियां होईयां है। इहनां नूं अटैच कर लैण तों बाद हुण असी साइड दी सिलाई चंगी तरह दे नाल दोनों साइड ते लगानी है। पेपलिन दी स्कर्ट बनाउण लई असी कपड़ा लिया है 4 फोल्ड है, जिस दी लंबाई भी 14 इंच है अते चौड़ाई भी 14 इंच है। ते सांझे वाले पासे तो असी 3 इंच ते निशान लगाना है, क्योंकि जो असी पहला माप लिया है उहदे विच कमर दा माप 6 इंच सी, इस करके असी 3 इंच दा दोनों पासे निशान लैण तो बाद सेंटर दे विच 3 इंच और इहनूं राउंड दे विच मिला देना है। इसे तरह दे नाल राउंड दे विच 11 इंच दा निशान लगाउणा है, जिहड़ा असी 3 इंच दा पहला निशान लै चुके हां
उस निशान तो लेंदे हुए पूरा राउंड दे विच 11 इंच का एक होर गोल धारा बनाना है। सारे पॉइंट्स नू आपस विच मैच करने तो बाद असी इनू सर्कल दे विच बना लिया अते हुण इस दी कटिंग करांगे। कटिंग हो जाण तो बाद उपर वाले हिस्से दे दोनों कोनियां ते एक छोटा जिहा कट लगाना है। स्कर्ट कुछ इस तरह ना तैयार हो गई है। बाजू दे अग्गे लगाउण लई फ्रिल दे लई असी कपड़ा लिया है जो कि 5.5 इंच है, 4 फोल्ड विच है। और इहदे लई पहला असी 2 इंच दा निशान लगावांगे। दोनों तरफ नू 2 इंच दा निशान लैंदे हुए असी इहनू राउंड दे विच मिलाना है, बिल्कुल उस तरह नाल जिस तरह दे नाल असी शर्ट दे लई फ्रॉक तैयार कीती सी। और जिथों यह निशान लिया 2 इंच तो बाद असी 3.5 ते निशान लगाना है, तो 3.5 ते भी इसे तरह नाल सर्कल बनाते हुए निशान लगाना है। हुण असी इस दी कटिंग कर लवांगे। इस दे कॉर्नर दे उत्ते हल्का जिहा कट लगा के निशान रख लवांगे, बस कुछ इस तरह दे नाल। क्योंकि असी 4 फोल्ड लिया सी इस वजह दे नाल साडे कोल दोवां बाजूआं दे लई फ्रिल तैयार हो गई है। इस तरह दे नाल दो तहां तैयार हन। इन्हां सारे पार्ट्स नूं आपस दे विच अटैच कर लेना है, बाजू और नीचे दा फ्रॉक दा हिस्सा। ट्यूलिप बॉटम दे लई असी कपड़ा लिया है 21 इंच और 21 इंच इहदी लेंथ है और इहदी विथ भी 21 इंच है। हुण असी कपड़े नूं ट्रायंगल दे शेप दे विच फोल्ड करना है, इस कॉर्नर तों दूसरे कॉर्नर तक। हुण जिस साइड तों कपड़ा खुला होया है उस साइड तों असी इंची टेप रख के 19 इंच ते निशान लगाउणा है और इसे तरह दे नाल अगे तों अगे ले जाके 19 इंच ते सर्कल दे विच निशान लगा लेने ने। इस निशान तों कटिंग कर देवांगे। कटिंग कर लैण तों बाद कॉर्नर ते एक छोटा जिहा कट लगा लेना है और इस दे एक हिस्से नू हटा लेना है। बस इस तरह नाल असी इहनू फोल्ड करना है। ट्यूलिप सलवार दे दोनों साइड्स नू कट कर लिया होया और अलग करन तो बाद इस तरह नाल इहनू आपस दे विच जोड़ना है, इस तरह रखना है। इस तरह ना बचा लैण तो बाद हुण असी निशान लगावांगे आसन लई जो कि 6 इंच है। 6 इंच दी दूरी ते निशान लगाउण तो बाद 1 इंच थोड़ा जिहा डिस्टेंस 1 इंच दा दे के हल्की जिही गोलाई पानी है और ये आसन दी कटिंग है। बस इस तरह दे नाल असी वापस तो इसे तरह नाल इसनू फोल्ड कर लेना है। दोनों हिस्सों नू इसे तरह नाल फोल्ड करने तो बाद इस तरह नाल तय कर लेने तो बाद जॉइंट वाली साइड तो निशान लवांगे 2 इंच और उपर वाली साइड तो असी निशान लगाना है 4 इंच ते। और हुण इस 2 और 4 इंच दे पॉइंट है जिहड़े इन्हां नूं गोलाई दे विच मिलाना है। एक तरह ना साडा पहुँचा है और इहनूं असी कट लवांगे। कटिंग करने तो बाद जो असी उपर वाली साइड ते निशान लिया सी 4 इंच दा उत्थे असी हल्का जिहा कट लगा लेना है निशान दे लई। स्टिचिंग लई सब तो पहला असी इस जगह ते आसन दी सिलाई लगावांगे।
आसन की सिलाई लग चुकी है तो हुण वारी है ये वाले हिस्से सिलाई लगाण दी। दोनों साइड तो जिथों आपां हेठले हिस्से विच निशान लगाया सी उत्थों लैके टॉप तक असी सिलाई लगा लेनी है। ट्यूलिप सलवार दे लई जो असी बैल्ट लै रहे हैं डबल फोल्ड कपड़ा है और इहदी जो चौड़ाई है वह 13 इंच है तो लंबाई 5 इंच है। सलवार की स्टिचिंग कर लैण तो बाद बैल्ट नूं इहदे नाल अटैच करना है और बैल्ट नूं अटैच करने लई सलवार का ये वाला हिस्सा तो बैल्ट का कॉर्नर वाला हिस्सा इन्हां नूं असी आपस दे विच मिलाउणा है। सो इन्हां दोनों कोनियां नूं आपस विच मिलाउण तो बाद दरम्यान दे विच जो कपड़ा आवेगा उस कपड़े दे असी बल पाने हैं इत्थों लैके इत्थे तक। इस तरीके नाल असी बैक साइड दे उत्ते भी बल पाने हैं पहला अगले पासे फिर पिछले पासे। ट्यूलिप सलवार सिलके तैयार है और हुण असी इस विच लास्टिक पावांगे। सलवार दी बेल्ट असी 13 इंच डबल फोल्ड लिया सी इस तरह नाल हुण असी लास्टिक लैनी है जो कि 9.5 इंच डबल है तो 19 इंच का एक घेरा है। इस लास्टिक नूं हुण सलवार दी बेल्ट विच पा देवांगे। आसानी दे नाल तैयार हो गई है ट्यूलिप सलवार और कुर्ती असी पहला ही तैयार कर रखी है। सो बहुत ही सोहने तरीके नाल कुर्ती भी तैयार हुई है तो ट्यूलिप सलवार भी। उम्मीद करती हूँ थानू पसंद आया होगा। जरूर लाइक करियो कमेंट करियो तो सबसक्राइब करियो मेरे चैनल नूं। धन्यवाद।